या हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल अमेज एडिक्ट्स। मेरा नाम है आरजेफ गगनेजा। तो हम वापस आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सो आज का ब्लॉग हमारा होगा एक रिव्यू ब्लॉग, सो जिसमें हम रिव्यू करेंगे एक सबसे बहुत ही बढ़िया लैपटॉप, जो कि है एप्पल का मैकबुक एयर। सो सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे एक ड्रीम लैपटॉप होता है सभी के लिए, आज के टाइम पे एप्पल का बहुत क्रेज़ है सबको, तो इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट 9 to 10 months से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका एक पूरा कंप्लीट रिव्यू दूंगा और हम देखेंगे इसके बॉक्स में क्या क्या था और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या हमने इसकी एसेसरीज परचेज की। तो बने रहिए वीडियो में पूरा एंड तक, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बॉक्स में, तो देखेंगे इसके बॉक्स को। जो इसके बॉक्स है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स है। इसके आगे मैकबुक एयर की बैजिंग थी, इसके सामने एक स्लीक सा लैपटॉप बना हुआ है और साइड्स पे इसके एप्पल की बैजिंग है। तो इसके अंदर हमारा देखते हैं क्या क्या था। मेनली इसके अंदर जो था वो जो ये रैपर था, इसके अंदर लैपटॉप था और ये हमारे कुछ साथ में इसके मैनुअल्स थे और स्टिकर्स थे और यहाँ पे अडेप्टर था हमारा 30 वॉट का और साथ में सी टाइप टू सी टाइप चार्जिंग केबल थी। तो ये हमारा था बॉक्स। सो बॉक्स के बाद हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस थी, कैसे वगैरह वो देखते हैं। तो जो वेरिएंट मैंने लिया था ये था i5 प्रोसेसर और ये 10th जनरेशन था और इसमें जो हार्ड डिस्क थी वो थी 512 GB की और रैम थी 8 GB की। सो उस टाइम पे जब मैंने परचेज़ किया था तो ये मुझे ऑलमोस्ट 1,12,000 का पड़ गया था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है और पूरा ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। तो जब हम इसे खोलते हैं तो मतलब एक अलग सी फील आती है, क्योंकि इसका जो कीबोर्ड है वो पहले के कंपैरेटिव बहुत ही बढ़िया किया है, क्योंकि पहले इसमें दूसरा कीबोर्ड आता था। तो अब वाली जो मैकबुक है इसमें ये मैजिक कीबोर्ड आता है, तो ये काफ़ी स्मूथ है। और हम बात करें इसके माउस पैड की, तो ये भी बहुत ही सॉफ्ट है और बिल्कुल इजीली हम इसे ड्रैग कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बूट अप हो जाता है। जब भी हम इसे खोलते हैं तो मतलब हमें टाइम नहीं लगता इसे ओपन करने का। आप देख सकते हैं क्लोज ओपन, और ये अगर आप इसके आगे ये फिंगरप्रिंट को लगाएंगे साथ ही ये खुल जाता है। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह ही एक तरह से काम करता है बिल्कुल। और बात करते हैं हम इसकी साउंड की, तो साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि हम इसमें यूट्यूब चला के देखते हैं, ये हमारा चैनल है, इसमें आप इसकी वीडियो ऑडियो आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल कलर्स हैं, बिल्कुल बढ़िया कलर्स आते हैं, बिल्कुल अलग अलग एक एक कलर का पता लगता है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, स्क्रीन क्वालिटी है। अगर हम इसकी बात करें कैमरे की, तो कैमरा इसका 720p क्वालिटी देता है। तो हालांकि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, पर अभी के लिए एप्पल इसमें 720p कैमरा देता है। सो गाइस, बात करें इसके यूजेज की, तो मैं इसे अभी तो वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल ही स्मूथ एडिटिंग होती है इसमें। साथ ही साथ मैं इसमें कोडिंग के लिए भी इसे मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप एक्लिप्स चलाएं या विजुअल स्टूडियो चलाएं तो बिल्कुल हैंग नहीं होता ये, बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। और आप इसको अपनी डे टू डे यूजेज में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने वीडियोज़ देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल पोर्टेबल है, क्योंकि फुली पोर्टेबल है। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप है वो बहुत ही अच्छा है और बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट जो ये कहते हैं वो है 11 आवर्स की, पर ऑलमोस्ट ये 8 to 9 या 10 आवर्स तक चल जाता है।
तो बिल्कुल पोर्टेबल है, अगर आप इसको वन टाइम चार्ज करेंगे तो 8-9 आवर्स के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप बढ़िया गाने सुने, मूवीज़ देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ाइन है और लुक है वो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। और अगर आपको अगर हम इसकी बात करें एक्सेसरीज़ की, तो सबसे पहले जो मैंने एक्सेसरीज़ की परचेज़ की है वो है इसका कीबोर्ड का कवर। सो कीबोर्ड कवर बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आप कई बार खाते इसे यूज़ करें या कुछ भी, तो कुछ कीबोर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। ये तो वॉशेबल है, हम इसे वॉश कर सकते हैं, अगर हम इसे आपको लगा के दिखाएं। ये मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्लीक सा है ये कवर और पता भी नहीं लगता है कि ये लगा हुआ है। और इसको हम क्लोज भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें इसे क्लोज करने की। तो ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और साथ में हमने परचेज किया इसका एक कवर, बहुत ही लेदर प्रीमियम कवर है, देख सकते हैं अंदर बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसमें लैपटॉप डालोगे बिल्कुल। और ये मैग्नेटिक इसका कवर है, आप इसको बंद करेंगे तो ये मैग्नेट बंद कर देता है अपने आप। तो इसके आगे मैंने एप्पल का स्टिकर मुझे मिला था वो मैंने लगा दिया, तो ये भी बहुत ही प्रीमियम अच्छा कवर है, ड्यूअल टोन में कवर आता है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और लास्ट में बात करूंगा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें लेना चाहिए साथ, वो है इसकी वायर प्रोटेक्टर। सो क्योंकि ये सी टू सी टाइप केबल है, और जैसे कि एप्पल केबल बहुत ही डेलिकेट होती हैं क्योंकि ये जल्दी ही यहाँ से टूटने लग जाती हैं, तो ये वायर प्रोटेक्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब इसमें क्या है कि एक वायर के लिए हमें 2 वायर प्रोटेक्टर्स चाहिए, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के 2 इसमें लगाए हुए हैं मैंने, ये डुअल टोन के हैं। तो जैसे भी आपको कलर पसंद हो तो आप ये ज़रूर लगाएं, या इससे क्या है आपकी केबल है वो ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी केबल अगर बाहर से लेने जाओ तो बहुत कॉस्टली है, तो इस पर आप ज़रूर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी केबल बची रहे। और लास्ट में ये इसका अडेप्टर है जो 30 वॉट का अडेप्टर इसके साथ आता है। ये सब था इसके बारे में, कंप्लीट एप्पल लैपटॉप मैकबुक एयर के बारे में। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।